जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों अभी हम आ गए हैं हसदेव नदी उद्गम स्थल मेंढरा कला गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। हसदेव नदी का प्राकृतिक उद्गम स्थल है, वहाँ पे दो नदी का उद्गम स्थल है, हसदेव नदी और गोपद नदी। हसदेव नदी का यह उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ राम वनगमन का एक पड़ाव है। अभी बारिश का समय है तो प्राकृतिक उद्गम स्थल अभी नहीं जा सकते, तो यहाँ का आपको दर्शन कराते हैं। मंदिर से लगा हुआ यहाँ पर एक बोर्ड है, इसका कुछ मुख्य बिंदु जो है मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। हसदेव नदी उद्गम ग्राम मेंढरा कला तहसील सोनहत जिला कोरिया छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ प्रवाहित होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। हसदेव नदी कोरिया कोरबा जांजगीर चांपा जिले में प्रवाहित होता है और श्रीनारायण में महानदी में जाके मिल जाता है। इसकी कुल लंबाई है 176 किलोमीटर। इसकी कई सारे सहायक नदी है जिसमें प्रमुख है अरिहन चोरनई झिंक उत्तेम गज। और इसमें छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा बांध मिनी माता बांगो बांध बना है जिसकी जल विद्युत क्षमता है 120 मेगावाट। इस नदी पर कई जलप्रपात भी बनते हैं जिसमें से प्रमुख जलप्रपात अमृतधारा जलप्रपात और गौरघाट जलप्रपात है। दोस्तों हसदेव नदी का उद्गम स्थान के पास में और भी बहुत सारे पर्यटन स्थल है, जैसे कि गंगी रानी है ये 50 किलोमीटर है, सीतामढ़ी 40 किलोमीटर है, शिव गुफा 22 किलोमीटर है, बालमगढ़ी ये 15 किलोमीटर है, गौरघाट जलप्रपात 35 किलोमीटर है, गुनगुट्टा डैम 10 किलोमीटर है। इसके अलावा यहाँ पर आसपास में लगभग 10 से भी अधिक छोटे बड़े और भी पर्यटन स्थल है जहाँ पे आप घूमने के लिए जा सकते हैं। और जस्ट हमारे पीछे इस साइड आप दिखाएंगे तो ये ऊपर वाला जो भाग दिख रहा है यही जो है बालमगढ़ी है, और ऊपर से नीचे का पूरा नज़ारा दिखता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है और दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल दिखते हैं। और ऊपर से ही यहाँ पर कर्क रेखा गुजरता है वो भी साफ साफ दिखता है। आप जब भी मेंढरा कला हसदेव नदी उद्गम स्थल आते हैं तो बालमगढ़ी जरूर जाएं, बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर दूरी की बात करें तो हसदेव नदी का यह उद्गम स्थल बैकुंठपुर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर व सोनहत से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आने के लिए आपको पक्की सड़क मिल जाएगा। ये यहाँ का शिव मंदिर है तो अंदर आपको लेकर चलते हैं। जय भोलेनाथ, जय श्री शंभु, जय श्री राम। शिव मंदिर के जस्ट पीछे में यहाँ पर हसदेव नदी का उद्गम स्थल है। मंदिर से लगा हुआ यहाँ पर बरगद का एक विशाल वृक्ष है और यह मौसम सच में बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहा है और बहुत तेज बारिश होने वाला है। अभी कुछ सीढ़ी नीचे उतरने के बाद आपको यहाँ पर नदी मिल जाएगा। दोस्तों इसी को ही हसदेव नदी का उद्गम माना जाता है, यहाँ से पानी निरंतर बारह माह निकलते रहता है। दोस्तों यही हसदेव नदी का उद्गम स्थल है। भगवान राम वन गमन करते हुए सीतामढ़ी छतौड़ा से कोटाडोल, कोटाडोल से कनवई, कनवई से देवसील, देवसील से रामगढ़ आए। रामगढ़ सोनहत तहसील के अंतर्गत आता है और सोनहत तहसील के अंदर ही रामगढ़ की ऊंची ऊंची पहाड़ी है। ये पहाड़ी में ही हसदेव नदी का प्राकृतिक उद्गम स्थल है। वहाँ से नदी निकलकर आगे यहाँ पर मेंढरा कला के पास यहाँ पर शिव मंदिर है, जस्ट इसके नीचे में ही हसदेव नदी का धार्मिक उद्गम स्थल माना जाता है। यहाँ पर एक लकड़ी है, लकड़ी के अंदर से यहाँ पर पानी के बुलबुले जो है हमेशा निकलता रहता है, इसे हसदेव नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। जैसे कि मैं आपको बताया रामगढ़ घने जंगलों से आच्छादित है, यहाँ पर मुख्य रूप से साल वृक्ष मिलता है। साल वृक्ष छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष भी है। रामगढ़ सोनहत से भगवान श्री राम हसदेव नदी के किनारे होते हुए आगे अमृतधारा जलप्रपात तक गए। दोस्तों छत्तीसगढ़ राम वनगमन पर्यटन परिपथ का यह सीरीज़ आपको पसंद आ रहा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच, अपने फैमिली के बीच ये वीडियो को जरूर शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, इससे हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। दोस्तों हमारा अभी नेक्स्ट पड़ाव अब अमृतधारा होगा, चलिए लेकर चलते हैं आपको अमृतधारा जलप्रपात।